जापानी कंपनी डेकन की योजना अगले 2 से 3 वर्षों में इंपोर्टेड एयर कंडीशन कंपोनेंट्स को कम करने और उन कंपोनेंट्स को भारत में बनाने की है। डेकन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जापान की सहायक कंपनी उम्मीद करती है कि इसके कुल विनिर्माण में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी आंध्र में अपनी प्रस्तावित तीसरी इकाई के बाद लगभग 40% के मौजूदा स्तर से 0 के करीब आ जाएगी। डेकन कंपनी, जिसकी आंध्र प्रदेश में तीसरी विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना है, यह नया संयंत्र डोमेस्टिक के अलावा अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट बाजारों को भी एक्सपोर्ट करेगा। डेकन इंडिया के डायरेक्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुलदीपक विरमानी के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में यूनिट पर काम शुरू हो गया है और वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त सितंबर 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। डेकन इंडिया पहले चरण में इकाई पर करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, दूसरे चरण में परियोजना पर एक समान निवेश करेगी। डेकन इंडिया के यह विस्तार, जो एयर कंडीशन कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना के तहत इसके निवेश प्रस्ताव का एक हिस्सा है, अपने कारखाने से इंपोर्ट्स में 15% की कटौती करेगा। नई फैसिलिटी इसकी क्षमता को मौजूदा 1.2 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 2.5 मिलियन यूनिट करेगी। उद्योग के लिए कुल इंपोर्ट कंपोनेंट लगभग 40% है। पीएलआई योजना के तहत डेकन सहित विभिन्न कंपनी द्वारा किए जा रहे निवेश को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 वर्षों में कंपोनेंट में इंपोर्ट का हिस्सा 0 के करीब आ जाएगा। डेकन इंडिया के डायरेक्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुलदीपक विरमानी ने कहा, उन्होंने कहा कि जहां इंपोर्ट्स में कमी से कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने में मदद मिलेगी, वही इससे बाजार को बढ़ने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि लागत में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कस्टमर एक्विजिशन में बढ़ोतरी होगी। भारत में एयर कंडीशन बाजार, जिसका अनुमान वित्त वर्ष 20 में 7 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष था, कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2011 में घटकर 5.5 मिलियन यूनिट हो गया। हालांकि जून 2021 के बाद मांग में लगातार सुधार हुआ है। इस वित्त वर्ष के अंत तक बिक्री पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ जानी चाहिए, कुलदीपक विरमानी ने कहा, और कहा कि डेकन इंडिया को 2019 से 2020 के स्तर पर बिक्री में 5 से 7% की वृद्धि की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के टर्नओवर में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने की संभावना लगभग 5,200 करोड़ रुपए है, जो वित्त वर्ष 2021 में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक है, जब पूरा उद्योग महामारी से प्रेरित मंदी से प्रभावित था, उन्होंने कहा।